रेलवे की भर्ती परीक्षा रिजल्ट में गड़बड़ी और अन्य मुद्दों पर आंदोलन कर रहे छात्रों ने भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं रेलवे ने अपनी एनटीपीसी और लेवल वन की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से सार्वजनिक संपत्ति नष्ट नहीं करने का अनुरोध किया है। वहीं रेल मंत्रालय ने उम्मीदवारों की शिकायतों की जाँच के लिए रेल मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें, छात्रों की ओर से लगातार उग्र आंदोलन इस मुद्दे पर किया जा रहा है। रेलवे की भर्ती परीक्षा रिजल्ट में गड़बड़ियों और अन्य मुद्दों पर आंदोलन कर रहे छात्रों ने अब भारत बंद का ऐलान किया है। रेलवे के अभ्यर्थियों ने आज बिहार बंद बुलाया है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में बिहार बंद बुलाया है। यूपी सरकार ने बंद को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में अलर्ट। एसपी डीएम ने कोचिंग सेंटर संचालकों से बात की है। गड़बड़ी होने पर सख्ती से निपटेंगे। पटना प्रशासन, बिहार के विपक्षी दलों का बंद को समर्थन। मांझी और सहनी की पार्टी का भी बंद को समर्थन। तो अब ये पूरा मुद्दा सियासी रूप ले चुका है और ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियों का भी इस बंद को समर्थन दिया जा रहा है। बिहार में आज फिर जगह जगह छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ है। हाजीपुर और समस्तीपुर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। खानसर ने छात्रों से की प्रदर्शन खत्म करने की अपील। आपको बता दें कि खानसर पर FIR भी दर्ज हुई थी। हालांकि उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण भी दिया गया, तो वहीं अब उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो प्रदर्शन खत्म करें। YouTube पर वीडियो संदेश के जरिए शांति की अपील उन्होंने की है। PMO ने आपकी सभी मांगे मान ली है, खानसर ने ये कहा है कि PMO ने आपकी सभी मांगे मान ली है, अब ऐसे में आप प्रदर्शन खत्म करें। तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से जब ट्रेनों को नुकसान पहुँचा रहे थे छात्र इस प्रदर्शन के जरिए, उग्र आंदोलन के जरिए, तब उन्होंने कहा भी था कि अगर आप में से कोई भी ऐसी घटना में लिप्त पाया जाता है तो उसे आजीवन नौकरी नहीं दी जाएगी।